टाइमलेस लाइफ स्किल्स फाउंडेशन के नए प्रोग्राम गेट मेंटर्ड में हम अलग अलग फील्ड्स के टॉप प्रोफेशनल से बातचीत करते हुए युवाओं को जॉब्स और इनकम जनरेशन के बारे में जानकारी देते हैं। गेट मेंटर्ड प्रोग्राम में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कैसे वे पढ़ाई करते हुए कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पॉकेट मनी कैसे कमाया जा सकता है। कोविड के बाद ये सवाल और भी ज़्यादा सामने आ रहा है, खासकर उन स्टूडेंट से जिन्होंने पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है। इस वीडियो में हम समझते हैं कि पढ़ने के साथ साथ यंग लोग थोड़ा पॉकेट मनी कैसे कमा सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पैसा कमाने के दो मेन तरीके हैं, इंटर्नशिप करना या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करना। अगर आप पढ़ाई किसी आईटी, डिजिटल या प्रोफेशनल स्किल्स में कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन, एनिमेशन इत्यादि, तो इन फील्ड्स में इंटर्नशिप और फ्रीलांस काम मिलने की संभावना अधिक रहती है। वैसे कंटेंट क्रिएशन और टीचिंग की फ्रीलांस या इंटर्नशिप्स तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मिल जाती है। अगर आप इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया में दो वेबसाइट्स बहुत उपयोगी हैं, internshala.com और letsintern.com। internshala.com, इस वेबसाइट में आप इंटर्नशिप्स या तो लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, या आप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन या अपने इंटरेस्ट के बेसिस में, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, कंटेंट राइटिंग, साइंस, लॉ, आर्किटेक्चर इत्यादि। तो मान लिया जाए आप वर्क फ्रॉम होम की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी है जो कोई एनजीओ से आई है और ये अनपेड वर्क है। तो अनपेड वर्क आप क्यों करेंगे? अगर आपने कभी पहले काम नहीं किया है तो आपको पेड काम करना मुश्किल है, तब आप अनपेड काम करके अपना धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है तब आप फिर जो है पेड वर्क ढूंढ सकते हैं। पर अगर आप सीधे पेड वर्क ढूंढ रहे हैं तब भी आप यहाँ पर फिल्टर्स यूज़ करके, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे 4,000 rupees a month कम से कम कमाना है, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कंटेंट राइटिंग की, बिजनेस डेवलपमेंट की, यूज़र रिसर्च की, और इनको मैं फर्दर कैटेगरीज के हिसाब से बेस्ड ऑन कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं इनको और शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। यही नहीं, इंटर्नशाला में ये फ्रेशर जॉब्स की भी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो अगेन ये फिल्टर्स यूज़ करके आप फ्रेशर जॉब्स ढूंढ सकते हैं। इंटर्नशाला में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ये वेबसाइट किस में ऑफ़र कर रही है, ये आपको दर्शाता है कि किस स्किल की डिमांड ज़्यादा है। और साथ ही अगर आपने कभी इंटर्नशिप नहीं करी हुई है तो इट सीम्स कि ये इंटर्नशिप इटसेल्फ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं। इंटर्नशाला जैसी एक और वेबसाइट है letsintern.com, तो letsintern.com भी उसी तरीके से काम करती है कि आप यहाँ पर फिल्टर्स यूज़ करके ढूंढ सकते हैं काम जो आपको सूट करेगा। इस वेबसाइट में भी इंटर्नशिप्स जो हैं वो बाय लोकेशन है, बाय इंडस्ट्री है, बाय डिफरेंट टाइप्स हैं कि समर इंटर्नशिप, फुल टाइम इंटर्नशिप, वर्चुअल इंटर्नशिप, फ्रेशर जॉब, पार्ट टाइम, पॉकेट मनी कमाने के तरीके इत्यादि। इंटर्नशिप के अलावा पॉकेट मनी कमाने का दूसरा तरीका है फ्रीलांस काम ढूंढना। फ्रीलांस काम को आज गिग इकोनॉमी कहा जा रहा है। आज क्या हुआ है कि इंटरनेट की वजह से हर किस्म के कौशल के लिए, हर किस्म के टैलेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गई है, जहां बायर्स और सेलर्स सीधे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी मिडलमैन के। इसको डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडियरी था, जो बिचौलिया था, वो नहीं रह जाता। इस डिसइंटरमीडिएशन की वजह से आज क्या हुआ है कि अगर आप किसी कौशल में बहुत माहिर हैं तो आपकी मार्केट लोकल नहीं है, आपकी मार्केट आज ग्लोबल हो गई है इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की वजह से। फ्रीलांस काम ढूंढने की भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये ट्रूलांसर एक वेबसाइट है जिसमें आप जाकर ढूंढ सकते हैं कि इस वक्त किस किस्म की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये फुल टाइम जॉब नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। तो जैसे मैं अभी फ्रीलांस जॉब्स यहाँ देख रहा हूँ, तो कोई कह रहा है कि नीड अ फ्रीलांसर फॉर अ 2D एनिमेटर वीडियो, तो इसमें भी आप फिल्टर्स लगा के सर्च कर सकते हैं कि जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इस वक्त किस किस्म का फ्रीलांस काम अवेलेबल है।
तो फ्रीलांस काम के लिए यूजली पोर्टफोलियो होना काफ़ी इसेंशियल हो जाता है, चाहे वो आपका स्टूडेंट पोर्टफोलियो हो, चाहे आपने अनपेड इंटर्नशिप्स करके वो पोर्टफोलियो बनाया हो, पर यूजली फ्रीलांस काम जो है वो क्वालिफिकेशन पे नहीं बेस्ड होता, वो आपके एक्सपीरियंस और आपके पोर्टफोलियो पे बेस्ड होता है। फ्रीलांसिंग की एक और वेबसाइट है freelancer.in, यहाँ पर भी आप ब्राउज जॉब्स में जाके फिर फिल्टर्स लगा के देख सकते हो कि क्या आपके इंटरेस्ट या आपके टैलेंट से संबंधित यहाँ पे किस किस्म की वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और भी कई सारी वेबसाइट हैं, फाइवर जो है वो एक इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है फ्रीलांस काम ढूंढने के लिए। अपवर्क एक और ऐसी ही मार्केट प्लेस है, और आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी और भी ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगी। इंटर्नशिप और फ्रीलांस प्रोजेक्ट करके आप पॉकेट मनी तो कमा ही सकते हैं, साथ ही छोटे प्रोजेक्ट्स करके आपको ये भी समझ में आने लगता है कि आपका डीप इंटरेस्ट, आपका रुझान किस फील्ड में है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आपका पैशन क्या है, तो आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करके, जिसको डिपिंग योर टो इन द वाटर भी कहते हैं, पता लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ठीक अंदाज़ा हो जाता है कि आपको क्या करना पसंद है, और ये जानकारी फिर ठीक नौकरी या व्यवसाय ढूंढने में आपकी बहुत सहायक होती है। इंटर्नशिप या फ्रीलांस में जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, इनको फिर आप अपने बायोडाटा में भी डाल सकते हैं और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी डाल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स आपके बायोडाटा या लिंक्डइन प्रोफाइल में एविडेंस देते हैं कि आपको जो भी आप कौशल आप कह रहे हैं उसमें आपने वाकई में काम किया हुआ है। इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस काम करने से आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। इस वीडियो का मकसद था आपको थोड़ी जानकारी देना कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बिना एक प्रॉपर नौकरी लिए, तो इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस जो हैं ये दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ी जानकारी दी कि आप कैसे इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस काम ढूंढ सकते हो।